भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। इस भीषण गर्मी से बचने का हर कोई तरकीब खोज रहा है। आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका सेवन करने से न केवल कई गंभीर बीमारियों से निजात मिलती है बल्कि इस भीषण गर्मी में कलेजे को खूब ठंडक देती है। जी हाँ, इसे गोंद कतीरा के नाम से जानते हैं जिसको भीषण गर्मी के लिए संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण औषधि को लेकर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सिंह ने क्या कुछ कहा। गोंद कतीरा आजकल तो बहुत वायरल हो रहा है, सारे लोग रील्स भी डाल रहे हैं इसके बारे में। गोंद कतीरे का बहुत सारी यूजेज है, स्पेशली जब बहुत गर्मी पड़ रही है तो ये बहुत शीतलता देने वाला एक पदार्थ होता है। ये गोंद की तरह आता है, जो गोंद नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं लड्डू वगैरह में, वो गोंद नहीं है। गोंद कतीरा आप देखेंगे तो अलग से मिलेगा, उसके कलर में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसको रात में अगर आप 2 चम्मच भिगा के रख दें और सुबह जब वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको पानी में घोल के आप उसमें बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं, जैसे जो आपके शरबत वगैरह आते हैं या खस का पानी मिला सकते हैं। नहीं तो सिर्फ सिंपल पानी घोल के पीने से भी, पानी में घोल के पीने से भी गर्मी से राहत मिलती है, पसीना को बहुत पसीने से राहत देता है। अगर हाथ पैर में जलन रहती है तो उसमें भी बहुत राहत देता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा रक्त प्रदर, महिलाओं में रक्त प्रदर की समस्या होती है या लिकोरिया की समस्या है, तो जब आप इसको घोल लेंगे तो इसमें 1 चम्मच मिश्री मिला, धागा मिश्री मिला लेंगे तो आपको उसमें राहत मिलती है। इसमें फॉलिक एसिड और प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, तो अगर किसी को खून की कमी या एनीमिया की समस्या है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो फाइबर होने से एक तो पेट को ठंडक भी देता है और पेट भी साफ करता है। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या हो रही है तो मेहंदी का फूल 4 ग्राम और 2 चम्मच गोंद कतीरा रात को भिगा के रख दें, सुबह छान कर उसको पानी में घोल के पीने से माइग्रेन की समस्या से राहत मिलती है। अगर किसी को दर्दनाक टॉन्सिल हो तो आपको क्या करना है कि धनिए के पत्ते को, इसको पहले भिगा के रख लेंगे और धनिए के पत्ते का लेप बनाएंगे, इन दोनों को मिला के वहां पर लेप लगाना है तो टॉन्सिल्स में राहत मिलती है। बस आप डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। बलिया से सनंदन उपाध्याय, लोकल 18।